रोहित बल्लम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। तो आज यहाँ पर यस बैंक में काफी कंसोलिडेशन नजर आया, और जैसे कि हमने पहले भी कहा था, मैंने पिछली वीडियो में कहा था, ये कंसोलिडेट करते रहेगा जब तक ये जो दो यहाँ पर बैंड्स नजर नहीं आते, जब तक इनको ये क्रॉस नहीं कर देता, यहाँ पर कोई भी प्रॉपर मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी, जाएगा ही नहीं कहीं स्टॉक। यहाँ पर इन दोनों, ये जो दोनों मैंने लगा के रखे, आप हमेशा इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको वापस एक बार दिखाता हूँ, वापस नोट डाउन करो। 41.95 और दूसरा है 37.05। तो 37.05, नॉट फाइव, तो 37 ही पकड़ लो, 37 ही पकड़ लो। एक 42, सॉरी 41.98, ऑलमोस्ट 42, और दूसरा है 37। तो 37 एंड 42, ये दो ऐसे यहाँ पर प्राइस पॉइंट है जिनके बीच में ये कंसोलिडेट करता रहेगा। जब तक ना इसमें इन्वेस्टमेंट आती है, ना इसमें कुछ ढंग की न्यूज आती है, तब तक ये इसके अंदर ही कंसोलिडेट करेगा। ना इसके ऊपर जाएगा ढंग से, ना इसके नीचे आएगा। तो एक बात आपको क्लियर कर दूं कि इंट्राडे आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ भी कर लो, इंट्राडे आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। गलती से भी इंट्राडे ट्रेडिंग करने की इसमें कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि मूवमेंट कोई भी हो सकती है, न्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉक चल रहा है, नॉट टेक्निकली। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर जैसे भी न्यूज, अगर अच्छी न्यूज आए तो स्टॉक ऊपर रैली मार देगा, बुरी न्यूज आए तो स्टॉक नीचे वाले रैली मार लेगा, और कौन सी न्यूज कब कौन से मोमेंट पे आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए जो भी ट्रेड करोगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर लेके रखा है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने बाय करके रखा है, तो यहाँ पर तो आपको सबर करना चाहिए। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आती, स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, तो तब तक आपको सबर करना ही पड़ेगा। फेब में मीटिंग्स है, तो मीटिंग्स में क्लियर हो जाएगा। बोल रहे हैं फेब में मीटिंग है, मार्च तक इन्वेस्टमेंट आएगी, तो वो आएगी तब, आएगी तब का, तब की बात तब देख लेंगे। बट बात यह है कि जब तक यहाँ पर नहीं आते, आपको सबर तो करना पड़ेगा। उसके पहले यहाँ पर स्टॉक को निकालना बेवकूफी ही होगी। अगर आप अभी तक होल्ड करके रखे हो, अभी तक आपके पास थोड़ा स्टॉक्स बचे है, तो जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आपको होल्ड करना तो बनता है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट आएगी तब आप प्रॉफिट बुकिंग करके आपका स्टॉक निकाल सकते हो। अभी स्टॉक इज एट द लोएस्ट, तो अभी स्टॉक को निकालना बेवकूफी होगी, क्योंकि स्टॉक जब से, जब तक इसके नीचे नहीं जाता, ये सेल नहीं आएगा। जब तक अगर इन्वेस्टमेंट रिजेक्ट होगी या कुछ बुरी, जो भी बुरी खबर होगी, तो ही स्टॉक नीचे गिरेगा, और तब शायद आप न्यूज आने के बाद उसको सेल आउट कर सकते हैं। बट तब तक मैं आपको कहूंगा कि होल्ड करो, होल्ड करना तो बनता है। आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन चेन पे, तो ऑप्शन चेन पे अगर हम ठीक से देखें, तो आज सारे जगह अनवाइंडिंग हुई है, काफी जगह अनवाइंडिंग हुई है। सबसे ज्यादा अनवाइंडिंग यहाँ पर दिखाई दी 45 पे, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी 50 पे दिया, दूसरी यहाँ पे 50 पे नजर आई, 50 पे भी काफी अनवाइंडिंग है। और 50, ये 50 एक अच्छा, यहाँ पर एक अच्छा प्राइस पॉइंट बन के आ रहा है। अगर कोई अच्छी खबर आई, कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट आई, तो स्टॉक हमें सीधा 50 तक नजर आ सकता है, अगर हम ऑप्शन चेन को देखें तो सीधा 50 तक। बट यहाँ पर और एक बना हुआ है जो 45 है, 45 एक दुविधा बन सकता है, बट फिलहाल 40 तो टूट सकता है, 40 तो टूट सकता है, 45 भी टूट सकता है, तो वो भी बात यहाँ पर बनी हुई है। 35 की बात करें, 35 आज कमजोर हुआ है, बट इतना भी नहीं, बट हुआ है, एज इन एक दिन में टूटने लायक यहाँ पर सपोर्ट्स है। अगर अगर हम 45 का रेजिस्टेंस देखें, 45 भी एक दिन में टूटने वाला रेजिस्टेंस है, 40 भी एक दिन में टूटने वाला रेजिस्टेंस है, बट 35 इज नॉट, मतलब 35 एक रिलायबल सपोर्ट नहीं है, तो आसानी से ये भी टूट सकता है। यहाँ पर कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मूवमेंट किसी भी जगह पे हो सकती है। 30 इज अ स्ट्रांग सपोर्ट कह सकते हैं हम, बट ऊपर के साइड में, नीचे के साइड में ये दो ही पकड़ेंगे, इसके नीचे जाना तो का ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल की तरह है, बट जा भी सकता है अगर कुछ, अगर काफी बहुत ज्यादा बुरी खबर आई तो इसके नीचे जा सकता है। बट फिलहाल अभी तक के लिए तो या यही प्राइस पॉइंट है जहां तक ये घूम सकता है। तो आज
कोई भी इतनी अच्छी न्यूज नहीं है, और मेरी यही सेम एनालिसिस है क्योंकि मूवमेंट ही नहीं हो रही, तो कल के एनालिसिस है वही, मैं आज भी आपको वही सिमिलर बातें बताऊंगा। वेल फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जहां होस्ट बता रहेगा ऑफ सी इन माय नेक्स्ट वन।